बुराई नहीं अपनाएंगे जीवन में, अपने परिवार को कष्ट नहीं देंगे, अपने बच्चों को कष्ट नहीं देंगे। कितनी दुखी होती है जब कोई शराबी घर लौटता है, पत्नी को कितना कष्ट होता है। पिता जब मदिरा पीकर के घर लौटता है तो बच्चे कहते तो नहीं है पर कष्ट तो उन्हें भी होता है। सज्जनों, आपका परिवार संवर जाएगा और नहीं तो मैं आपको बड़े फायदे, तीन लाभ बता रही हूं शराब के। पहला लाभ है, जो शराब पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। 80-80 साल के बूढ़ों को देखना है, जो शराब पी लिए तो उनसे बड़ा बलवान कोई नहीं है, वो बूढ़ा नहीं होता। आप कहेंगे शराब पीने के बाद आजकल तो लोग जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, बूढ़ा कैसे नहीं होता? तो यही तो बात है, शराब पीने के बाद लीवर किडनी आजकल सब डैमेज हो जा रहे हैं और बुढ़ापे की प्रतीक्षा ही नहीं, जवानी में ही व्यक्ति परम धाम को चले जा रहा है, बूढ़ा नहीं होता। दूसरा लाभ है मदिरा पान करने का, जो शराबी है उसके घर में चोरी नहीं होती, चोर नहीं आता। बोले ये कैसी बात है, हमें शराब पी पी करके उसने पूरा धन बर्बाद कर दिया तो चोर वहां क्या चोरी करने आएगा? और जो शराबी है वो आता है घर में, पत्नी को डांटता है, बच्चों को डांटता है, तो चोर वहां मार खाने थोड़ी ना आएगा। और तीसरा लाभ है मदिरा पान करने का कि जो शराब पीता है उसे कभी कुत्ता नहीं काटता, कुत्ता कभी नहीं काटता। बड़े फायदे हैं, 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं जब कुत्ता काट जाए तो, बड़े फायदे हैं। बात ऐसी है, कुत्ता काटता भले नहीं है पर चाटता जरूर है, चाटता नहीं है चाटता। कहीं गाल चाट रहा है, कहीं मुंह चाट रहा है, कहीं कान चाट रहा है, और शराबी से पूछो देख तुझे कुत्ता काट चाट रहा है उड़ जा, वो कहता है नहीं, स्वर्ग से उर्वशी और तिलोत्तमा आई है, मेरी सेवा कर रही है, इधर कुकरिया सुवरिया चाट रही है, उसको ऐसा लग रहा है। बड़े फायदे हैं, अब आप देख लेना, आप छोड़ोगे मुझे अच्छा लगेगा। बोडसरा में हमारी जब कथा हुई थी तो मैंने जब वहां के लोगों से निवेदन किया तो 20 लोगों ने वहां मदिरा पान करना छोड़ा था। मुझे लगा था यहाँ की कथा मेरी सफल हो गई, और हमारे सिवरी में तो मुझे कोई मदिरा पानी ही नहीं दिखते, तो मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगी और 2-4 होंगे भी तो प्रयास करेंगे कि छूट जाए। तो भगवान